आज दार्जिलिङ सदर टाउन पुलिस प्रशासनको तर्फबाट एक बैठक आयोजना गरी सिलीगुडी अनि सिक्किमबाट दार्जिलिङ पहाड भित्रिने वाहनहरूमा चढेर आएको यात्रुहरूको कोरोना भ्याक्सिन लगाइएको कागजपत्र अनि ऱ्याड टेस्टमा नेगेटिभ आएको रिपोर्ट जाँच गर्ने विषयमा जिल्लापालबाट अध्यादेश जारी गरेको हुनाले आजको बैठकपछि लगत्तै बतासे नाका पोइन्टमा आजदेखि नै पहाड भित्रिने वाहनहरूमा जाँच सुरु गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आप इधर आइए ना। दार्जिलिंग पुलिस की ओर से चेकिंग चल रहा है, उस बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। ये बात यह है कि आज 22 जुलाई है। डीएम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम सर है, डीएम सर ने एक ऑर्डर निकला हुआ कि कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी और बाहर से कोई टूरिस्ट आएगा तो सबको इधर डबल वैक्सीनेशन आर्टिफिशियल और आरटीआर ये होना चाहिए उन लोगों को। अगर ये तीन चीज़ें एक नहीं है तो उनको दार्जिलिंग मतलब एंट्री नहीं होता दार्जिलिंग। तो हम इसलिए हम यहाँ बतासी में चेकिंग बैठा हुआ, मैं उसी पैसे देता हूँ। तो हम यहाँ पे चेकिंग किया है और दो चार आदमी को नहीं देखा तो उसको गाड़ी हम घुमा के मतलब रिटर्न करते हैं। आज लगभग कितना को आप गाड़ी रिटर्न कर सकते हो? यहाँ से तो दो गाड़ी, पहले तो एक गाड़ी हम रिटर्न कर दिया अपनी, अभी एक आपको देखा है, एक गाड़ी को हम रिटर्न कर दिए। एक आदमी का था उसको हम दूसरा गाड़ी में भेजे दार्जिलिंग में, बाकी जो था उसको हम रिटर्न कर दिए। घर पूरी अभी बाइक में भी आ रहा है। हाँ, बाइक पर भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। आप लोग देखे हैं यहाँ पे बाइक उन लोग सबसे आर्टिफिशियल टेस्ट का जो कॉपी है उन हम लोग को देखा रहा है, वो नेगेटिव होने से हम लोग छोड़ देते हैं। अगर नेगेटिव नहीं है तो उसको हम नहीं छोड़ देते, सबको रिटर्न कर देते, सबको हम चेकिंग कर रहे हैं। तो आप लोग कितने दिन से ये प्रोग्राम कर रहे हैं? मतलब यहाँ से तो एक्चुअली बतासी हम लोग का सदर ट्राफिक का एक्चुअली नाका पॉइंट तो है ही, लेकिन स्पेशली 22 के बाद हम लोग स्टार्ट किया है ज़बरदस्त। मतलब मैं उसी ट्राफिक में छूट आया हूँ यहाँ से, अब डेली यहाँ पे नाका चेकिंग हुआ इस तरीके से, क्योंकि हम लोग का दार्जिलिंग का मेन एंट्री पॉइंट है बतासी, इसमें हम लोग नाका देखा। तो लास्टली आप जो भी टूरिस्ट दार्जिलिंग आ रहे हैं बाहर से, उन सभी को और साथ ही साथ ये दार्जिलिंग के पब्लिक को क्या अपील करना चाहते हैं? हाँ, सबको मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये दार्जिलिंग मेरा नहीं है, सिर्फ इंडिया का एक एसेट है। ये दार्जिलिंग को सेफ रखना सबको ज़रूरी है, इसलिए सबको हेल्प मांग रहा हूँ। पुलिस की तरफ से भी हेल्प मांग रहा हूँ, पैसेंजर को भी हेल्प मांग रहा हूँ, ड्राइवर को भी, सबको हेल्प मांगने के बाद हम दार्जिलिंग को सुरक्षित रखने के लिए वादा करता हूँ। ये ड्राइवर की तरफ से क्या है, कोऑपरेट है कि नहीं आप? हाँ, ड्राइवर्स की तरफ से फुल्ली कोऑपरेट है। हम सिंडिकेट के बाद साथ मतलब बहुत कुछ मीटिंग किया है, और ड्राइवरों को जो बाहर से जो ड्राइवर आ रहा है उन लोग का भी मतलब आर्टिफिशियल टेस्ट, इधर आर्टिफिशियल डबल वैक्सीनेशन किया हम लोग देखा है। आप लोग यहाँ तो चेकिंग, नाका चेकिंग हो रहा है, ये जगह के अलावा कौन कौन सी जगह? ये दार्जिलिंग का तो मेन एंट्री पॉइंट यही है, तो यहीं से सब मतलब सिक्किम का जो गाड़ी आएगा सब यहीं से जाएगा, और सिलीगुड़ी से जो गाड़ी आएगा सब यहीं से जाएगा। दार्जिलिंग का अंदर जो मालगोडाउन है उसमें भी चेकिंग हो रहा है, स्टेशन में भी चेकिंग हो रहा है, और उधर से तो लेबोंग पार्टी से तो हम लोग HMI में चेकिंग करते हैं। खासतौर पर ये मेन चेकिंग पॉइंट है अभी, ये डेली का होगा ना? हाँ, डेली होगा। वो किस बारे में हुआ है, किस रेजुलेशन का आप लोगों ने एडॉप्ट किया है? एक्चुअली आज का जो मीटिंग हुआ है ये हम लोग का इंडो मीटिंग था, ये इसमें टूरिस्ट वगैरह जो लेते हैं गाड़ी, मतलब सिलीगुड़ी जो सिंडिकेट है, कालिम्पोंग को सिंडिकेट, गैंगटॉक को सिंडिकेट, और लोकल जो टूरिस्ट लेके घूमते हैं, इस सिंडिकेट को हमें बुलाया यहाँ पे, क्योंकि दार्जिलिंग को डीएम साहब ने ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि कोई टूरिस्ट दार्जिलिंग आएगा तो इसका रेट आर्टिफिशियल और डबल वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है, ये चेक करने के लिए। तो हम लोग तो पुलिस की तरफ से तो हर टाइम चेक करते हैं, तो ड्राइवर लोग को हम बुलाए सिंडिकेट को,
फिर आप लोग हमको हेल्प कीजिए। दार्जिलिंग के सुरक्षा के लिए सबको दायित्व है, हम लोग का भी है, सबका ही है, इसलिए उन लोग का बुलाएगा। उन लोग को बुलाया कि कोई पैसेंजर आएगा तो उसको आप लोग मिनिमम पूछ तो सकते हैं कि आपका डबल वैक्सीनेशन है या नहीं, जबरदस्ती करने का तो आपको डाउट नहीं, लेकिन आप पूछ सकते हैं। इस वास्ते हम लोग आज मीटिंग किया है। तो आप लोग का टूरिस्ट के जो वैक्सीनेशन के लिए नाका चेक कहाँ पर रखा हुआ है? ये हम तो खुद ही नाका चेक किया है पहले, ये बतासी में दो पैसेंजर आए हैं विदाउट वैक्सीनेशन का, हम तो रिटर्न कर दिए उस टाइम। बाद में हमको तो जो जितना भी सिंडिकेट वगैरह है वहाँ से थोड़ा कंप्लेन आया है कि आप लोगों के खिलाफ जो गवर्नमेंट बस है स्टेट बस वो फुल पैसेंजर लेकर आते हैं, कोई चेकिंग वगैरह नहीं होता है। जितना भी टैक्सी है इसमें आप लोग 50% कर दिया है और स्टेट बस में 50% नहीं है, फुल कैपेसिटी है, ये क्यों? नहीं, स्टेट बस में तो एक्चुअली फुल कैपेसिटी मतलब है स्टेट बस तो खड़ा होकर कोई नहीं आता है एक्चुअली। हम लोग जब चेकिंग करते हैं उस टाइम अगर दो तीन आदमी ज़्यादा रहता है ना उसको हम वहाँ से निकल लेते हैं गाड़ी से कि ये गाड़ी में नहीं जाए। तो हम लोग का चेकिंग सेंटर तो अभी बताशे में खुला हुआ है, मैं खुद ही वहाँ करके आया हूँ। खासतौर पर बाहर का आदमी जब आता है तो हम लोग बताशे में प्रॉपरली चेकिंग करते हैं क्योंकि बताशे हम लोग का एंट्री पॉइंट है, तो आज भी किया है वहाँ पे। स्टेट बस में इतना नहीं है, हम लोग तो देखा है 50% के अलावा नहीं आता है, हम लोग बोल रहा है, लेकिन उन लोग को तो हम कर दिया। उन लोग बेचारा जो छोटा गाड़ी है उन लोग प्रॉपरली 50% मेंटेन करते हैं। अब स्टेट बस को भी हम आज भी बोला है कि आप लोग मत लीजिए 50% से ज़्यादा। ये नाका चेकिंग कब से हो रहा था आप लोग? ये टूरिस्ट ये तो एक्चुअली हम लोग का तो ऑर्डर दिया है 22 तारीख को, डीएम साहब ने 22 तारीख से शुरू होगा, 22 तारीख से तो प्रॉपरली हो रहा है। पहले तो उन लोग का हम लोग तो पॉइंट है ही वहाँ पे, नाका पॉइंट तो इसी है, हम लोग गाड़ी वगैरह चेक करते हैं वहाँ पे। सबसे बेस्ट तो नीचे जो सिमलवाड़ी है वहाँ पे बेस्ट है ना ये नाका? ये मैं तो उसी टाइम सदर का हूँ, ये तो बोल नहीं सकता अभी, तो ये आप लोग के इसके साथ पूछ लीजिए। सिक्किम डायरेक्टली लेके आए सर? सिक्किम मेनली, सिक्किम तो सिक्किम का भी एंट्री बंद है, हम लोग यहाँ पे एंट्री तो बंद ही है। अगर सिक्किम से कोई आता है तो हम लोग बताशी में उसको चेकिंग करते हैं कि डबल वैक्सीनेशन है या नहीं, आरटीपीसीआर किया है या नहीं, इसलिए हम लोग मेन एंट्री पॉइंट बताशी में, इसलिए बताशी में नाका पॉइंट किया।